बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 15,000 रुपए के नीचे तीन ऐसे ज़बरदस्त किस्म के स्मार्टफोन जो कि आपको बाई करने चाहिए। अगर आपका बजट 15,000 रुपए है तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो अंत तक लाजमी वॉच कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आप तक हर वीडियो पहुँच सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे तीन स्मार्टफोन्स हैं जो कि आपको बाय करने चाहिए और वो वैल्यू फॉर मनी होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन्स मैंने रखे हैं, मेरी यही कोशिश थी कि ये आपको बेटर फॉर वैल्यू दें, जो है बेटर फॉर मनी वैल्यू दें, यानी वो आपकी वैल्यू पे पूरा उतरें। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने अपने फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो वो है दोस्तों इन्फिनिक्स का स्मार्ट 5। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 आपको 14,999 रुपये में मिल रहा है। बात करें इस मोबाइल फ़ोन की तो एंड्रॉयड 10 गो एडिशन आपको देखने को मिलता है, मीडियाटेक का प्रोसेसर में देखने को मिलता है, 32 GB 2 GB और 32 GB 3 GB वाला वेरिएंट, यानी आपको 15 में 32 GB 3 मिल रहा है। तो और क्या चाहिए भाई, HD+ डिस्प्ले है, ट्रिपल रेयर कैमरा है, बैक पे 13 MP का मेन सेंसर है, बाकी दो तो रेलू कट्टे ही हैं, उनको कोई काम नहीं है, QVG है दोनों हैं। फ्रंट पे 8 MP का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, उसके अलावा फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पहला स्मार्टफोन जो है वो स्मार्ट 5 है। सेकंड नंबर की बात करें तो वो रेडमी का आ जाता है दोस्तों 9A। अब रेडमी आपको अंडर 15,000 कोई भी स्मार्टफोन दे रहा है दोस्तों, ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 13,500 से 14,000 का मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यार कुछ तो उसमें दम होगा। A25 मिलता है, ऑक्टोकोर चिपसेट मिलता है, सबसे बड़ी बात 6.5 इंचज का HD+ डिस्प्ले है, G25 आपको प्रोसेसर मिल रहा है, तो P22 से तो हरगिज जो है बेहतर है। 13 MP का एक सेंसर है, फ्रंट पे 5 MP का सेंसर है। यहाँ पे दोस्तों आपको किसी किस्म की यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई देखने को फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको जारी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो PUBG लाइट अगर खेलती हैं, 5000 mAh की बैटरी है, 10 W की फास्ट चार्जिंग भी है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। थर्ड और लास्ट की बात करें तो वह इन टेक्नो का स्पार्क 5 एयर। अब ये जो मैं टेक्नो का स्मार्ट 5 एयर दोस्तों बता रहा हूँ, ये आपको कहीं मिलता है दोस्तों ऑफलाइन मार्केट्स में 13,800 इधर की तरह आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा बेहतर है। मीडियाटेक हीलियो A22 है, ऑक्टोकोर चिपसेट है, 7 इंचज का बड़ा डिस्प्ले है, 32 GB 2 GB है। बैक में आपको डुअल कैमरा मिलेगा, एक 13 MP। लास्ट पे मेरे पास आ जाता है टेक्नो का स्पार्क 5 एयर। यहाँ पे दोस्तों 32 GB 2 GB का कॉम्बिनेशन है, 8 MP 13 MP, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 इंचज है। तो यहाँ पे जो लोग वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। अब फिंगरप्रिंट भी इस मोबाइल में ऐड किया गया, अच्छी बात है। 5000 mAh की बैटरी भी मिल रही है, अच्छा डिस्प्ले है, अच्छी बैटरी है, और 7 इंचज का बहुत अच्छा फैबलेट टाइप डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट भी ऐड किया गया। तो एक अंडर 15,000 रुपीज़ में अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ये थे तीन स्मार्टफोन्स जो कि आपको अंडर 15,000 बाई करने चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर आप तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।